नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका स्नेहा में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप जो है अपना स्कोर बताएंगे अपनी कैटेगरी वाइज, तो मैं कुछ बता सकती हूँ कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है एनजीटी के लिए। तो लगभग आप लोगों के 300 से 400 जो रिप्लाईज आए हैं, तो उनमें से मैंने जो एग्जैक्ट इन्होंने लिखा था तो उनको चूज़ किया है, तो मैं अभी आपको सारा बताऊंगी। तो उससे पहले मैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दूं। तो जैसे कि मैंने भी जो है आंसर की बताई है, उसके अलावा और भी कई लोगों ने बताई होगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो आंसर की है वो एकदम एग्जैक्ट है कि हाँ 150 टू 150 जो मैं बताऊँगी वही बोर्ड बताएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन जो है एकदम गलत है इस आंसर की में, तो एग्जैक्ट तो कहीं पता लगेगा यानी कि 150 मैं सही बता दूंगी, क्योंकि जो आंसर है वो कुछ क्वेश्चन क्या डिलीट होंगे। और ये जो आपका पेपर था वो साइकोलॉजी का था, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। तो जिसमें फैक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें तो फैक्ट वाला ही आंसर रहेगा, जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल वाइज है कुर्सी पे बेस्ड जैसे कोई क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन के जो आंसर है तो उन क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं, चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे जैसे कि अभी आपका जो एग्ज़ाम करवा है RSSSB करा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो उनमें जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन रहता है उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, उनमें जो है बोर्ड जो है अपने खुद के आंसर अलग स्पेशली बताता है कि ये उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए, तो वो चीज़ भी है। तो कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और जो बात है बोनस की, जो क्वेश्चन डिलीट होंगे तो वो आंसर की में पहले से मेंशन हो जाएंगे, और जो नहीं होने होंगे और आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप उसको देख सकेंगे कि, और मुझे लगेगा कि अगर मेरे पास कोई प्रूफ है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप जो है वो रिट लगा सके उस क्वेश्चन पर, तो वो चीज़ है। तो आपको सबसे पहले जो है आंसर की का वेट करना है, क्योंकि आंसर की में जो भी लगभग डिलीट होने होंगे वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है अगर जो नहीं होते हैं तो उन पे रिट लगाने के लिए आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। तो आपको अभी कोई वरी करने की नीड नहीं है, अभी आप देख सकते हैं कि 5 से 10 नंबर का जो है डिफरेंस आएगा और आपके नंबर है वो 80% जो है चांस जो है बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, और 20% की डिक्रीज भी हो सकते हैं। लाइक जैसे 6 नंबर का रेशो लेते हैं, तो अगर 6 में से अगर आपके 6 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके 2 नंबर घट भी जाए, मतलब आपका 4 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो आप ये बात ध्यान रखिए, ऐसे नहीं सोचिए कि बस मेरे तो नंबर बढ़ेंगे ही, तो नंबर कम भी हो सकते हैं और बढ़ेंगे, लेकिन जो चांसेस ज़्यादा है नंबर बढ़ने के वो 80% है, और डिक्रीज होने के जो है 20% है। वैसे जैसे आपके 3 नंबर स्टार्टिंग में, जैसे आपने चेक करना स्टार्ट किया मेरे 3 नंबर कट गए, फिर आपने आगे जैसे स्टार्ट किया तो आपके हो सकता है कि 5 से 6 नंबर भी बढ़ जाएं, तो बढ़ने के तो हाँ चांस है सबके बढ़ेंगे, अगर आपके बढ़ रहे हैं तो और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके बढ़ेंगे, अगर आपके डिक्रीज होंगे तो दूसरों के डिक्रीज होंगे, तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन 4 ही थे, 10 तो थे नहीं। और जैसे आपने कॉमेंट करके बताया, तो पहली चीज़ ये बता रही हूँ कि लगभग मैं बता सकती हूँ कि 10 लोगों ने तो जिन्होंने 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है उनके मैंने मार्क्स देखे हैं कि 120 प्लस क्वेश्चन जो है वो राइट करके आए हैं, मतलब उनके राइट है, मतलब 120, 125, 130, 135 जिनका 1 ईयर का डिप्लोमा है जो एलिजिबल नहीं है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो पहला फैक्ट तो ये है, ठीक है, एग्ज़ाम का। दूसरा ये है जिन्होंने BSTC की थी या DLED कर रखा है उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो हालांकि ऐसा भी नहीं है कि 1000-2000 है, हाँ है, लेकिन उनका जो जो भी उन्होंने अटैम्प्ट किया है वो काफ़ी अच्छा किया है, उनकी 100+ जो है राइट है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है
जिन्होंने बीएड किया है उन्होंने भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई किया था, तो ये भी चीज़ है कि उनके पास एनटीटी का डिप्लोमा नहीं था, उन्होंने बीएड के बेस पे ही इस चीज़ को दे दिया, तो उन्होंने भी है तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। लगभग मैंने 5 से 10 ऐसे उस पर देखा था कमेंट्स में, तो वो है। उसके अलावा जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हालांकि 2 साल का या 2 ईयर्स का जो है डिप्लोमा है लेकिन वो वैलिड नहीं है, तो वो भी है। तो कम से कम 17,000 के लगभग, जैसे कि न्यूज़पेपर में आया था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अब इनमें से वैलिड कितने हैं वो बात अलग है। तो जो मैं आपको आंसर की बताऊंगी, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट जो आपकी लिस्ट आएगी जो सेलेक्ट होंगे वो हाई जाएगी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए, थोड़ी हाई जाएगी क्योंकि वो 17,000 में से कट ऑफ निकालेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो वो हाई जाएगी, फिर उसके बाद जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट निकलेगी वो लो जाएगी, तो उसमें जो भी इलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका मोस्ट ऑफ जो जिन्होंने भी अगर थोड़ा अच्छा स्कोर किया है, अच्छे से एग्ज़ाम दी है, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो फर्स्ट वाली जो कट ऑफ आएगी, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो हाई जाएगी, ये बात ध्यान रखें। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगी तो आपको एक आइडिया लेना है, ऐसे कि नहीं बस उसको लेके बैठ जाएंगे कि बस इतनी जाएगी मेरा होगा नहीं होगा, ये कोई बात नहीं होती है। और जिनका सेकंड में भी नहीं होता है, ठीक है, तो सेकंड में अगर कोई ज्वाइन भी नहीं करता है तो थर्ड लिस्ट भी निकलती है कई बार, तो थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, तो ये बात है। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे कैटेगरी वाइज की कितनी क्या है, तो पहले मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट आया था एनटीटी का वो दिखा देती हूँ। तो ये कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है, तो इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है NTSP है, नॉन TSP जो है वो ये है। उसमें टोटल जो है 996 पोस्ट है, और जो 1,000 में से जो 4 बची है वो स्पेशली है, जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसके सहरिया जो जाती है उसके लिए, तो इसमें है। अगर कोई भी अगर वहाँ से है, शायद बहुत कम मिलेंगे, अगर 2 भी है तो उनका तो पासिंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये है। उसके बाद जैसे जनरल की बात करते हैं तो उसमें है 351, और जो फीमेल है उनकी है 101। इस तरह से जैसे अनुसूचित जाति SC में 111 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 31 है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए तो मैंने बता ही दिया है, आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, लगभग 60 क्वेश्चन आपके जो है राइट होने चाहिए, वो बात है, 40% अब आपकी बन जाएगी। और तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है OBC, तो OBC में जो है 146 जो है सीट है मेल के लिए, और फीमेल के है 40 है, तो ये नॉन TSP की बात की जा रही है। अब उसके बाद एक बार ये देख लेते हैं, जो TSP एरिया उसमें टोटली है वो 310 पोस्ट है, उसमें भी जो मेल की है वो 112 है, लेकिन जो फीमेल है उसकी 3 ही है, और मेरे पास जो रिव्यू आए हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया है वो भी शायद 3 ही मुझे मिले हैं, जिन्होंने 3 ही मुझे फीमेल मिली है जिन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं कैटेगरी वाइज कि वो जनरल में है और इस कैटेगरी में है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OBC में कोई सीट नहीं है, और कुछ लोगों ने बताया भी है कि जनरल और OBC की सेम ही जाती है, तो जैसे यहाँ पे सीट ही नहीं है तो उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल के बराबर ही जाएगी, हालांकि जनरल में ही वो काउंट किए जाएंगे। तो ये बात आप जान लें कि जनरल और OBC की जो है अब सीट सेम ही हो जाएगी, ठीक है, जो भी फीमेल है वो इसमें आ जाएगी और जो मेल है इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें और कोई सीट नहीं है, 0 है। और इनका भी मैंने बता ही दिया है, जो एक्स आर्मी पर्सन जो भी हैं तो उनको खाली पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, 60 क्वेश्चन, ठीक, और 40% आपके बन जाएंगे तो हो जाएगा।
तो ये लिस्ट है, सबसे पहले मैं TSP का डिस्कस कर दूंगी। तो हालांकि जो ये मैंने सारे रिव्यूज़ लिए हैं, जो भी सारे कमेंट लिए हैं, वो आज जो 4 बजे तक का जो है, 4 PM तक, तो वो सारे मैंने ले लिए हैं, उसके बाद के नहीं लिए। हालांकि जो मोस्ट ऑफ जिनको भी कमेंट करना था उन्होंने कर दिया है, तो 4 PM तक का है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कमेंट्स में जाके, तो सेम ही है। तो इसकी जो मुझे लग रही है, जैसे जनरल की जो मेल की है और OBC मेल की जैसे और नहीं है, तो इसमें जो है लगभग 80 से स्टार्ट होगी, तो लगभग 85 के बीच जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि कितने से आए हैं, 1 2 3 6, तो ये 6 के लगभग तो मेरे पास ये आए हैं जनरल मेल के, और OBC के जो है वो 3 है, 3 ही है, और फीमेल जो है इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो कम से कम 5 जो है मेरे पास इन दोनों को मिलाकर आए हैं। जबकि जो सीट है फीमेल्स में तो वो 3 ही है, और जबकि जो रिव्यू आया है वो 5 आए हैं। तो लगभग जैसे कि 82 स्कोर भी है, 87 भी है, 85 भी है, तो लगभग आपकी फीमेल में जा सकती है 85 या 85+ जाएगी, ठीक है। तो और पहली बात तो ये है कि जैसे अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी आपकी ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरे पास ये 5 जो रिव्यू आए थे फीमेल के, तो इनमें मैं बता दूंगी जो जनरल फीमेल और OBC है उनकी 85+ या थोड़ी 82 या 83 भी जा सकती है, क्योंकि इनमें 3 ही सीट है। उसके बाद जो है जैसे जनरल मेल की, तो जनरल मेल की जो है 82 85 जाएगी, ठीक है। तो आपको इतना सीरियस भी नहीं लेना है, मैं खाली एक आइडिया बता रही हूँ आपको, तो वो है। उसके बाद जैसे कि SC में जो है और ST में है, तो इनकी सीट जैसे इसमें 9 है, इसमें 2 है फीमेल की और एम की, और SC में जो है 146 है, और जो मुझे एक कमेंट मिला है सिंगल, वो भी एक मिला है, जबकि सीट जो है 146 है, तो ये बात जान ले। और फीमेल का तो मुझे 0 कमेंट मिले हैं, और सीट जो है वो 29 है, और उसके अलावा MBC में मुझे एक सिंगल एक फीमेल का मिला था, उन्होंने 75 बताया, तो उनका तो मैं क्या बताऊँ, फिर तो पासिंग मार्क्स पे ही हो जाएगा। तो अब आपको ये भी बताना है कि आपको ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, जो भी मुझे रिव्यू मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ तक है वो सही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर बताएं आप, ये नहीं है कि आप बस कट ऑफ देखेंगे और चले जाएंगे, नहीं, आपको अपने खुद के रिव्यू भी बताने हैं। जैसे आपने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, तो आप खुद भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग। तो अब मैंने वही चीज़ बताई है जो मैंने खुद ने कमेंट्स को देखा है, जितने भी आपके मार्क्स बने हैं जिस कैटेगरी से, तो मैंने वैसे इनको मेंशन किया है, तो आप इनको खुद देख के खुद एनालाइज करके भी बता सकते हैं, तो ये ज़रूर बताएं। और तो इसमें SC वाले में तो मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे एक ही मिला है, तो इसका मतलब है कि 60 क्वेश्चन होने पे ही पास है, तो ये है। उसके बाद है तो इसमें MBC भी मैं क्या बताऊँगी, इसमें भी मुझे एक ही मिला है, और जो ST है ST में मुझे 3 ही रिव्यू मिले हैं। उसके बाद तो अब है नॉन TSP की, तो इसमें जो जनरल की सीट है मेल में 351 है, मतलब 350 के लगभग है। तो मुझे जनरल मेल में जो कमेंट्स आए हैं, जिन्होंने अपने जो क्वेश्चंस बताए हैं कितने राइट हुए हैं, तो लगभग 10 के लगभग है ये, और जो फीमेल है में है वो 101 के लगभग सीट है, और जो फीमेल के जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय जनरल मेल के। तो जैसे कि मार्क्स जो है मोस्ट ऑफ 100 से अबाव भी हैं, और 100 के आसपास भी हैं, तो इसमें जो लग रहा है कि कितनी जाएगी, तो इसमें जो चांस है वो 95 to 100 के आसपास, अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हैं तो सही रहेगा, ठीक है। कि अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और जनरल के अंदर कराते हैं, तो आपके कम से कम 95 to 105 ठीक होने चाहिए, और इतना भी क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि
जो एलिजिबल नहीं हो और उन्होंने भी अपने मार्क्स बताए हों तो वो बात अलग है। तो आप ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं 95 to 105, क्योंकि जो जैसे कि ओबीसी के अंदर जैसे 132 के लगभग जैसे ये क्वेश्चंस ठीक हैं इस नंबर पे। तो ये 132 है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ओबीसी में 132 जाएगी। तो ये जो है तो ये सीट है वो जनरल में चली जाएगी, जनरल की सीट इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जो ओबीसी वाले अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो वो जनरल की सीट ले जाते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखें। और जैसे जनरल फीमेल की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे मुझे मिले, हालांकि पूरे भी नहीं मिले। तो ये जो जनरल फीमेल के हैं वो 18 से 20 मुझे कमेंट्स आए हैं इनके, इन्होंने बताए हैं अपने मार्क्स। तो इनकी लगभग जो रह सकती है तो 90 से 100 के बीच में जो इनकी कट ऑफ जा सकती है, तो ये जान लें आप। उसके बाद जैसे ओबीसी की है, ओबीसी में जो मेल की जो सीट है वो 146 है। तो इसमें भी बहुत काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे मिले हैं ओबीसी मेल के ही मिले, उसके बाद जनरल फीमेल के हैं। तो ये जो ओबीसी मेल है उसमें मुझे 24-25 लोगों ने बताया है अपने मार्क्स। तो इसमें जो कट ऑफ का मैंने थोड़ा आइडिया लगाया है वो 90 से 100 के बीच ही लगाया है। तो हालांकि कम भी हो सकती है और इंक्रीज़ भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 80% चांसेस है, और 20% कुछ एक कम भी होंगे, तो ये आप ध्यान रख लें, क्योंकि 5 से 10 का डिफरेंस आएगा ऑफिशियल आंसर की में, और कुछ एक क्वेश्चन जो डिलीट भी होंगे आपको बोनस भी मिलेगा, तो ये बात अलग है। उसके बाद ओबीसी फीमेल की बात करते हैं तो इसमें 42 सीट है, और मेरे पास जो रिव्यू आए हैं तो ये 13 के लगभग है, तो इसमें सीट है 42 ही है। तो हालांकि अगर किसी के मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं, जनरल के बराबर आते हैं, तो वो जनरल में काउंट हो जाएगी, तो ये बात भी है। तो इसमें भी मैंने है वो 90 से 100 के बीच ही है, वो एक रेशियो बताया है जो ओबीसी फीमेल है। उसके बाद जैसे एससी की जो सीटें हैं वो 111 हैं, और फीमेल की 31 है, 31 है, जबकि जो मुझे ये कभी रिव्यू नहीं मिला है, हालांकि जीरो किसी ने भी कमेंट करके नहीं लिखा है कि वो एससी कैटेगरी में है, नॉन टीएसपी है, उसके इतने मार्क्स आए हैं, तो इसलिए मुझे इसका जीरो मिला है, जबकि इसमें सीट जो है वो 111 है और फीमेल की जो है वो 31 है। उसके बाद जो है एसटी में जो है, तो एसटी में मेल की 84 है और फीमेल की 24 है। तो इसमें मेरे को जो मिले हैं तो ये 4 मुझे रिव्यू मिले हैं एसटी के अंदर, तो जबकि सीट है वो 84 है। इसका मतलब तो जिसने 60 क्वेश्चन ठीक कर लिए उसका तो सिलेक्शन है, कि 60 क्वेश्चन अगर ठीक कर लिए तो कि 40%, क्योंकि इसमें मुझे 4 ही मिले हैं। और इसके अलावा एमबीसी है, तो एमबीसी में जैसे 7 सीटें हैं मेल की और फीमेल की अलग है, तो इसमें जैसे मुझे 2 ही रिव्यू मिले हैं, तो इनका वैसे एमबीसी में भी ज़्यादा नहीं जाती है, तो वो बात अलग है। तो ये था नॉर्मल, मैंने एक आपको एक आइडिया बताया है, तो आपको एक इस आइडिया को लेके नहीं बैठना है। मैंने हालांकि जैसे आपके रिव्यूज़ आए हैं, जैसे कि आपने कमेंट करके बताया है, तो ये वाले जो कमेंट मैंने लिए हैं, तो ये मेरा जो लास्ट वीडियो है अभी जो मैंने परसों अपलोड किया था, उसमें से सारे कमेंट्स में से आपके ये लिए हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कैटेगरी वाइज लिया है, तो हालांकि जैसे लिखा था तो मैंने वैसे ही ऐड किया है। तो इन सबको आप खुद भी देख लें कि जनरल में कैसे क्या मार्क्स आए हैं और जनरल फीमेल में मार्क्स क्या आए, तो क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद अगर आपको जो लगता है कि इतनी रह सकती है, इतनी अगर ज़्यादा लग रही है तो आप ज़्यादा बताएं, कम लग रही है कि कम जानी चाहिए, तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ खुद के भी बताएं। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए, आप अपने खुद के भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है कि मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि 150 क्वेश्चंस थे, तो
ठीक है, और मार्क्स 100 ही है, तो आप 100 में 150 का अगर जैसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.66 आएगा, 0.66। ठीक है, तो आपका पर क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो 0.66 मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो मार्क है 0.66 है। जैसे अगर आपके 105 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से, तो ये आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो 69.3 आ रहे हैं, मतलब 70 के लगभग आपने स्कोर किया है। तो अगर आप 100 में से अगर 70 मार्क्स आएंगे, तो ऑफकोर्स आपकी कितनी परसेंट बन जाएगी, 70% बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप 100 मार्क्स है और 100 में से अगर आप 70 आ रहे हैं, तो 70 का मतलब है कि आपकी 70% बन रही है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करें, ठीक है, कि जैसे भी अगर आपके मार्क्स है, जैसे किसी के आ रहे हैं 85, 85 का आपको सॉरी 85 आपके क्वेश्चंस ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी परसेंट बन रही है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करें, फिर 66 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितने आएगी, 56 लगभग आपके 56 नंबर आ रहे हैं 100 में से। तो 100 में से अगर 56 आ रहे हैं, तो इजीली क्या हो गया कि आपकी कितनी परसेंट बन गई, 56 आपकी परसेंट बन गई। तो ऐसे आप अपनी कैलकुलेट कर ले कि कितने क्या परसेंट बन रही है। उसके बाद क्योंकि आपके जो टोटल क्वेश्चन थे 150 थे, और जो मार्क्स है वो 100 में से आए हैं, तो ये मैंने बता दिया कि आप अपने मार्क कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चंस में से कितने राइट हैं। उसके बाद जो है जैसे ऑफिशियल की कब आएगी, तो जैसे आपको पता है कि मार्च में जो है इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो अगर आपके अगर इस वीक में अगर या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में अगर आंसर की आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है इन दिनों में तो कंफर्म है कि आपकी जो आंसर की आएगी वो अप्रैल तक आएगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, अप्रैल मतलब नेक्स्ट मंथ तक आएगी, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो जैसे ही आंसर की आएगी, उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है डिलीट होंगे। उसके बाद जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे रिट लगानी होगी, तो आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा, तो आप लगा सकेंगे। अभी आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। और उसके अलावा जो है अगर आपको ये भी जो मैंने वीडियो बनाई है कट ऑफ पे, तो आप अपने रिव्यू ज़रूर दें, जो भी आपको लग रहा है तो वो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो ऐसे देख कर ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और एनटीटी के रिगार्डिंग डेली अपडेट्स के लिए बने रहने के लिए, जैसे कि आंसर की वगैरह के बारे में, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और ऐसे ही एनटीटी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ के बारे में अपडेट रहने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। तो ये था मेरा कट ऑफ पे वीडियो, तो ज़रूर बताएं इसके बारे में। और अगर आपको अपनी डिग्री के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरी ईमेल आईडी है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे अपनी डिग्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो सेंड कर सकते हैं, या फिर आपकी जो डिग्री का ऊपर जो नाम लिखा हुआ है तो वो भी आप सेंड करके बता सकते हैं, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं अब आपको जो है मेरी ईमेल आईडी बता देती हूँ। तो ये है मेरी ईमेल आईडी, itisneha30@gmail.com। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी अगर रेलेवेंट लगेगा मुझे। तो कैसे लगे ये वीडियो ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।